दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुज गुप्ता, ईएनटी स्पेशलिस्ट, लेके आ रहा हूँ अपने चैनल का नया वीडियो। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि सुनाई की जांच, हेयरिंग टेस्ट कैसे करते हैं, उसकी रिपोर्ट कैसे जनरेट होती है और उस रिपोर्ट को हम कैसे पढ़ते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। सुनाई की जाँच, हेयरिंग टेस्ट, जिसे हम ऑडियोमेट्री भी बोलते हैं या फुल फॉर्म में प्योर टोन ऑडियोमेट्री कहते हैं, जिसमें हम पेशेंट के सुनने की क्षमता की जांच करते हैं कि हमारा पेशेंट कितना कम से कम तीव्रता में भी आवाज़ को सुन सकता है, मतलब हम हेयरिंग थ्रेशोल्ड की जांच करते हैं। प्योर टोन ऑडियोमेट्री के क्या क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले हमें इस टेस्ट से आदमी को कितना डिग्री का हेयरिंग लॉस है ये पता चलता है, उसके सुनने की क्षमता कितनी कम है ये पता चलता है। जो सुनने की क्षमता की तीव्रता है उसे हम डेसिबल में नापते हैं, जिसे हम इंटेंसिटी भी बोलते हैं। 25 डेसिबल तक के हेयरिंग लॉस को हम नॉर्मल लेते हैं। अगर हेयरिंग लॉस 25 डेसिबल से 40 डेसिबल तक आता है उसे हम माइल्ड डिग्री का हेयरिंग लॉस कहते हैं। 40 डेसिबल से 55 डेसिबल के हेयरिंग लॉस को हम मॉडरेट डिग्री का हेयरिंग लॉस कहते हैं। 55 डेसिबल से 70 डेसिबल तक के हेयरिंग लॉस को हम मॉडरेटली सीवियर डिग्री का हेयरिंग लॉस कहते हैं। 70 डिग्री से 90 डिग्री का हेयरिंग लॉस को हम सीवियर डिग्री का हेयरिंग लॉस कहते हैं और 91 डेसिबल के ऊपर के हेयरिंग लॉस को हम प्रोफाउंड डिग्री का हेयरिंग लॉस कहते हैं। ऑडियोमेट्री का दूसरा फायदा है, इससे हमें पता चलता है किस टाइप का हेयरिंग लॉस है। इससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि हमारे पेशेंट का जो सुनाई कम है वो बाहरी कान और मिडिल कान की कोई समस्या के कारण हेयरिंग लॉस है या इनर ईयर या नस के कारण, नर्व के कारण हेयरिंग लॉस है। इसे हम शॉर्ट में समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे कान के तीन भाग होते हैं, बाहरी कान, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर और मिडिल ईयर का काम होता है साउंड को पास करना इनर ईयर तक, कंडक्शन करना। तो मैकेनिकल साउंड वेव्स आउटर ईयर और मिडिल ईयर से होते हुए इनर ईयर में जाती है। तो आउटर ईयर और मिडिल ईयर में कोई भी समस्या होगी, कोई भी डिसीज होगी तो हमें कंडक्टिव टाइप का हेयरिंग लॉस मिलता है। इनर ईयर का काम होता है इस मैकेनिकल साउंड को इलेक्ट्रिकल साउंड में कन्वर्ट करना, जिसे हम ट्रांसडक्शन कहते हैं, और फिर वो नर्व से होते हुए, हमारे ऑडिटरी पाथवे से होते हुए ब्रेन तक साउंड पहुंचता है और हम समझते हैं कि सामने वाले ने क्या बोला। तो ये इस इनर ईयर में या इस ऑडिटरी पाथवे में, इस नर्व में कोई भी डिसीज होगी या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमें सेंसोरी न्यूरल टाइप का हेयरिंग लॉस मिलता है। तो हमें ऑडियोमेट्री से ये भी पता चल जाता है कि जो हमारा हेयरिंग लॉस है वो कंडक्टिव टाइप का हेयरिंग लॉस है, कि आउटर ईयर और मिडिल ईयर इन्वॉल्व हो रहा है, या फिर सेंसोरी न्यूरल टाइप का हेयरिंग लॉस है जिसमें इनर ईयर या फिर ऑडिटरी नर्व इन्वॉल्व हो रही है। ऑडियोमेट्री का तीसरा फंक्शन है डॉक्यूमेंटेशन। ऑडियोमेट्री के बाद हमें एक रिपोर्ट मिलती है, ग्राफ मिलता है, जिसे हम ऑडियोग्राम कहते हैं, जिसे हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। वो डॉक्यूमेंटेशन इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली मेडिको लीगल केसेस में, एक्सीडेंट्स, मारपिटाई के बाद अगर हेयरिंग लॉस आ रहा है तो हमारे पास एक रिकॉर्ड होता है कितना सुनाई कम है। डिसेबिलिटी का परसेंट निकालना है तो हमें उस रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। कोई कान की सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो ऑपरेशन से पहले कितना हेयरिंग लॉस था, ऑपरेशन के बाद कितना लॉस है, वो डॉक्यूमेंटेशन हमारा इस ऑडियोग्राम के बेसिस में होता है। ओल्ड एज में भी लॉस धीरे धीरे बढ़ता है तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड रहता है कि किस गति से ये लॉस बढ़ रहा है। पिछले साल लॉस इतना था, इस साल का ऑडियोग्राम ये है, लॉस इतना है, तो डॉक्यूमेंटेशन। ऑडियोमेट्री का चौथा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हेयरिंग एड प्रिस्क्राइब करने के लिए, डिजिटल हेयरिंग एड प्रिस्क्राइब करने के लिए। डिजिटल हेयरिंग एड की प्रोग्रामिंग के लिए हमें ऑडियोमेट्री रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पेशेंट का कितना हेयरिंग लॉस है, हर फ्रिक्वेंसीज में वो कितना कितना सुन रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग उसके हेयरिंग एड्स की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो हेयरिंग एड प्रोग्रामिंग के लिए भी हमें ऑडियोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। इससे पहले कि हम जाने कि ऑडियोमेट्री कैसे की जाती है, उसका रिपोर्ट कैसे बनता है और उस रिपोर्ट को कैसे हम रीड करते हैं, मैं कुछ बेसिक टर्म्स आपको बताने जा रहा हूँ ताकि आपको आगे समझने में सुविधा होगी कि ऑडियोमेट्री कैसे की जाती है और रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है। प्योर टोन ऑडियोमेट्री में प्योर टोन का मतलब क्या होता है? प्योर टोन का मतलब होता है
सिंगल फ्रिक्वेंसी की टोन। जो अब आवाज़ें सुनते हैं इसमें मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज की साउंड होती है, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं तो ये स्पीच फ्रिक्वेंसीज है 500 हर्ट्ज से लेके 3000 हर्ट्ज तक, लेकिन पीछे से हम ध्यान देंगे तो पंखे की आवाज़ अलग आ रही है, वो सॉफ्ट साउंड है, उसकी फ्रिक्वेंसी अलग है। कुछ आवाज़ें बाहर कमरे के बाहर की जो बारीक आवाज़ें हैं, हाई पिच की आवाज़ें हैं, वो अब हमें आवाज़ें आ रही हैं। तो ये आवाज़ें मिक्स होती हैं। प्योर टोन का मतलब होता है सिंगल फ्रिक्वेंसी साउंड, क्योंकि हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री में हर सिंगल फ्रिक्वेंसीज में पेशेंट के सुनने की कितनी क्षमता है, कितने इंटेंसिटी में सुन रहा है, उसकी जाँच करते हैं। जब हम ऑडियोमेट्री करते हैं उसके बाद हमें रिपोर्ट मिलती है, उसे हम ऑडियोग्राम कहते हैं, जिसके एक्स एक्सिस में होता है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी को हम बोल सकते हैं पिच, जैसे महिलाओं की आवाज़ कैसी होती है, हाई पिच होती है, हाई फ्रिक्वेंसी की होती है, पतली आवाज़ होती है। आदमियों की आवाज़ कैसी होती है, मोटी आवाज़ होती है, लो फ्रिक्वेंसी या लो पिच की आवाज़ें रहती है। तो एक्स एक्सिस में हम अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पे आदमी की कितनी सुनने की क्षमता है, कितनी तीव्रता पे वो सुन सकता है, वो जांच करते हैं। क्योंकि जिसको हेयरिंग लॉस का पेशेंट है वो हर फ्रिक्वेंसीज में उसकी सुनने की क्षमता अलग अलग होती है। जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि मैं पास की तो बातचीत फिर भी सुन लेता हूँ, दूर की आवाज़ें नहीं सुनाई पड़ती हैं, कुछ आवाज़ें नहीं सुनाई पड़ती हैं, कुछ सुनाई समझ जाता हूँ मैं, क्योंकि हर साउंड की फ्रिक्वेंसी अलग अलग है। पास से जो हम बातचीत करते हैं स्पीच फ्रिक्वेंसीज, उसमें उसकी सुनने की क्षमता अच्छी रहती है। दूर की आवाज़ जो है हाई फ्रिक्वेंसीज वगैरह में उसकी सुनने की क्षमता ज़्यादा ख़राब रहती है। इसलिए हम ऑडियोमेट्री में हर फ्रिक्वेंसीज में आदमी कितने कम से कम में सुन सकता है वो जाँचते हैं। तो एक्स एक्सिस में हम लोग 125 हर्ट्ज से लेते हुए 8000 हर्ट्ज तक फ्रिक्वेंसीज में हम उस पेशेंट की कितने सुनने की क्षमता है उसे जांचते हैं। वाई एक्सिस में हम प्लॉट करते हैं इंटेंसिटी साउंड की तीव्रता। इंटेंसिटी को हम बोल सकते हैं लाउडनेस, जिसे हम डेसिबल में मेशर करते हैं। जैसे अब मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरी जो फ्रिक्वेंसीज है साउंड की, जो स्पीच फ्रिक्वेंसी 500 हर्ट्ज से 3000 हर्ट्ज के बीच मेरी बोलने की फ्रिक्वेंसी है, अगर मैं थोड़ा सा जोर से बोलता हूँ तो मेरी फ्रिक्वेंसी वही है लेकिन मेरे साउंड की लाउडनेस बढ़ गई, इंटेंसिटी बढ़ गई। तो ये हम हर फ्रिक्वेंसीज में हमारे पेशेंट के सुनने का थ्रेशोल्ड, इंटेंसिटी कितना है वो नापेंगे। तो इंटेंसिटी वाई एक्सिस में प्लॉट होती है और डेसिबल में उसे मेशर की जाए। ऑडियोमेट्री कैसे की जाती है? ऑडियोमेट्री में सबसे पहले हम एयर कंडक्शन मेशर करते हैं। पेशेंट को समझाया जाता है कि आपको हेडफोन लगाया जाएगा, उस हेडफोन में आपको आवाज़ आएगी, तो आपको उंगली उठा के या रिस्पॉन्स का बटन दबा के हमें बताना है। हम आवाज़ को कम करते जाएंगे, टोन को कम करते जाएंगे, आपको सुनाई पड़ेगा, तो आपको उंगली उठा के या बटन दबा के हमें बताना है। उसके बाद हम ऑडियोमीटर में फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं। हमें अलग अलग फ्रिक्वेंसीज में पेशेंट की सुनने की कितनी क्षमता है, वो कितने इंटेंसिटी पे सुन रहा है, वो मेशर करना। ऑडियोमीटर में सबसे पहले हम फ्रिक्वेंसी को सेट करेंगे। सबसे पहले हम 1000 हर्ट्ज पे मेशर करते हैं, 1000 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी को सेट करेंगे और पेशेंट को 30 डेसिबल इंटेंसिटी पे एक टोन प्रेजेंट करेंगे हेडफोन के थ्रू। अगर पेशेंट को आवाज़ नहीं आ रही है तो हम उसे 20 डेसिबल बढ़ाएंगे, 50 डेसिबल इंटेंसिटी पे साउंड प्रेजेंट करेंगे। अगर पेशेंट को फिर भी आवाज़ नहीं आ रही है, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो हम 10 डेसिबल करके उसे और बढ़ाते जाएंगे। लाइक 60 डेसिबल पे सुनाएंगे, उसे नहीं सुनाई देगा तो फिर 70 डेसिबल पे सुनाएंगे। 70 में उन्हें सुनाई दे रहा है पेशेंट को, तो हम उसे 5 कम करेंगे और 65 पे सुनाएंगे। अगर 65 डेसिबल में पेशेंट को सुनाई दे रहा है तो हम कुछ मल्टीपल टोन 65 डेसिबल में प्रेजेंट करेंगे और वेरीफाई करके उसे फिर प्लॉट करेंगे। और यदि पेशेंट को 30 डेसिबल पे ही सुनाई दे रहा है तो हम उसे 10 डेसिबल करके और कम करते जाएंगे। लाइक 20 डेसिबल पे सुनाएंगे, उसे सुनाई दे रहा है तो 10 डेसिबल पे सुनाएंगे। पेशेंट को अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो उसे फिर 5 और बढ़ाएंगे, 15 डेसिबल पे सुनाएंगे और उसे कंफर्म करके हम प्लॉट करेंगे। इसी तरह हम फिर बाकी फ्रिक्वेंसीज पे भी पेशेंट का हेयरिंग थ्रेशोल्ड को टेस्ट करेंगे। 1000 हर्ट्ज के बाद हम 2000, 4000, 6000 और 8000 हर्ट्ज पे हेयरिंग थ्रेशोल्ड मेशर करते हैं और उसके बाद फिर 500, 250 और 125 हर्ट्ज पे भी हेयरिंग थ्रेशोल्ड को मेशर करते हैं। इसके बाद हम मेशर करते हैं बोन कंडक्शन को।
बोन कंडक्शन हम बोन वाइब्रेटर के थ्रू करते हैं। बोन वाइब्रेटर कान के पीछे की जो हड्डी है जिसे मैस्टॉइड बोलते हैं उसमें लगाया जाता है। बोन कंडक्शन करने की ज़रूरत क्यों है? हमें तो पेशेंट की क्षमता पता चल गई है, सुनने की क्षमता इसकी इतनी इतनी है। बोन कंडक्शन इसलिए किया जाता है ताकि हमें ये पता चले कि पेशेंट को जो हेयरिंग लॉस है वो कंडक्टिव है कि सेंसोरी न्यूरल है। पेशेंट को जो हेयरिंग लॉस है वो बाहरी कान और मिडिल कान की कोई समस्या के कारण है या फिर इनर ईयर और नर्व के कारण है। बोन कंडक्शन में जो बोन वाइब्रेटर प्लेस करते हैं हम मैस्टॉइड के ऊपर, वो डायरेक्ट इनर ईयर को, कॉकलिया को स्टिमुलेट करता है। बाहरी कान और मिडिल ईयर उसमें बाईपास हो जाता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये आती है, जब हम बोन वाइब्रेटर के थ्रू टोन प्रेजेंट करते हैं तो वो दूसरे कान का इनर ईयर को भी स्टिमुलेट करता है, बोन को भी स्टिमुलेट करता है। इसलिए हमें दूसरे कान पे एक टोन अलग से देनी पड़ती है हेडफोन के थ्रू, ताकि ये कान इंटरफेयर ना करें हमारे टेस्टिंग ईयर में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मास्किंग। बोन कंडक्शन को भी हम एयर कंडक्शन की तरह ही मेजर करते हैं। टोन को हम बोन वाइब्रेटर के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, वैसे ही अलग अलग फ्रिक्वेंसीज में हम टेस्ट करते हैं। 1000 हर्ट्ज में हम टोन प्रेजेंट करेंगे और पेशेंट का थ्रेशोल्ड मेजर करेंगे। अगर पेशेंट को सुनाई दे रहा है तो हम 10-10 डेसिबल करके कम करते जाएंगे, 10 डाउन, और पेशेंट को सुनाई नहीं देगा तो फिर +5 डेसिबल, 10 डाउन और 5 अप मेथड्स सेम एयर कंडक्शन की तरह ही हम मेजर करेंगे। 1000 के बाद हम 2000 और 4000 हर्ट्ज में मेजर करेंगे, और उसके बाद 500 और 250 हर्ट्ज में भी बोन कंडक्शन का थ्रेशोल्ड को मेजर करेंगे। एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों निकालने के बाद हम उसे प्लॉट करते हैं। राइट ईयर और लेफ्ट ईयर का प्लॉटिंग अलग अलग की जाती है। राइट ईयर को रेड पेन से मार्क किया जाता है, लेफ्ट ईयर को ब्लू पेन से। एयर कंडक्शन राइट ईयर का और लेफ्ट ईयर की मार्किंग्स अलग अलग है। बोन कंडक्शन की मार्किंग्स भी राइट ईयर और लेफ्ट ईयर की अलग अलग है। हम मास्किंग के साथ जब टेस्ट करते हैं एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन का, तो उसकी मार्किंग भी अलग अलग होती है। अब हम बताएंगे कि ऑडियोग्राम रिपोर्ट को कैसे पढ़ते हैं। ये बहुत ईजी है, हमें सिर्फ 3 चीज़ें देखनी है उसमें। सबसे पहले है एयर कंडक्शन का ग्राफ को हमें देखना है, सेकंड बोन कंडक्शन के ग्राफ को हमें देखना है, और तीसरा एयर बोन गैप कितना है। अगर एयर कंडक्शन का ग्राफ 25 डेसिबल से कम है तो मतलब पेशेंट के सुनने की क्षमता नॉर्मल रेंज में है। अगर एयर कंडक्शन का ग्राफ 25 डेसिबल से अधिक है तो इसका मतलब पेशेंट को हेयरिंग लॉस है, जो कि कंडक्टिव भी हो सकता है और सेंसोरी न्यूरल भी हो सकता है। पेशेंट को कितने डिग्री का हेयरिंग लॉस है वो हम एयर कंडक्शन ग्राफ से मेजर करते हैं। हम जो एवरेज लेते हैं उसे प्योर टोन एवरेज कहते हैं, और वो हम 500 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज और 2000 हर्ट्ज का एवरेज लेते हैं। 500, 1000 और 2000 हर्ट्ज में पेशेंट कितने इंटेंसिटी में सुन रहा है हम उसका एवरेज निकालते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम उसे क्लासिफाई करते हैं कि हमारे पेशेंट को माइल्ड हेयरिंग लॉस है, मॉडरेट लॉस है, मॉडरेटली सीवियर लॉस है, सीवियर लॉस है कि प्रोफाउंड डिग्री का हेयरिंग लॉस है। उसके बाद हम देखेंगे बोन कंडक्शन का ग्राफ। अगर बोन कंडक्शन का ग्राफ नॉर्मल रेंज में है, 25 डेसिबल से कम है, तो वो नॉर्मल है। अगर वो 25 डेसिबल से ज़्यादा है तो मतलब पेशेंट को या तो सेंसोरी न्यूरल टाइप का हेयरिंग लॉस है या मिक्स टाइप का हेयरिंग लॉस है। मिक्स्ड हेयरिंग लॉस मतलब कंडक्टिव प्लस सेंसोरी न्यूरल, दोनों कंपोनेंट। इसके बाद हम जो तीसरी चीज़ देखेंगे वो है एयर बोन गैप। एयर कंडक्शन का ग्राफ और बोन कंडक्शन के ग्राफ में कितना गैप है। नॉर्मली ये गैप 15 डेसिबल या उससे कम रहता है। अगर ये 15 डेसिबल से अधिक है मतलब पेशेंट को कंडक्टिव टाइप का हेयरिंग लॉस है। अब हम कुछ ऑडियोग्राम रिपोर्ट्स को रीड करते हैं। ये सबसे पहले ये पहला ऑडियोग्राम है। राइट ईयर की मार्किंग्स हैं इसमें, रेड कलर से प्लॉट किए हैं, तो ये राइट ईयर की है। ऊपर वाला ग्राफ बोन कंडक्शन ग्राफ है, नीचे वाला ग्राफ एयर कंडक्शन ग्राफ है। दोनों नॉर्मल रेंज में है, 25 डेसिबल से कम है। दोनों ग्राफ के बीच का एयर बोन गैप भी 15 डेसिबल से कम है, 5 डेसिबल है इस ग्राफ में। और प्योर टोन एवरेज 500 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज और 2000 हर्ट्ज में हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 10 डेसिबल, 15 डेसिबल और 15 डेसिबल का एवरेज, जो कि 13.33 डेसिबल का हेयरिंग लॉस है राइट ईयर का, जो कि नॉर्मल हेयरिंग सेंसिटिविटी है। दूसरा ग्राफ है लेफ्ट ईयर्स की मार्किंग्स यूज हुई है एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन में, ब्लू पेन से प्लॉट किया गया है। तो ये लेफ्ट ईयर का ऑडियोग्राम है। सबसे पहले एयर कंडक्शन ग्राफ को देखते हैं, जो कि नीचे वाला ग्राफ है, जो आपका नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है,
तो मतलब पेशेंट को हेयरिंग लॉस है। कितने डिग्री का हेयरिंग लॉस है उसके लिए प्योटोन एवरेज निकालते हैं 500 हर्ट्ज में, 1000 हर्ट्ज में और 2000 हर्ट्ज में, जो कि है 45 डेसिबल, 50 डेसिबल और 55 डेसिबल। तो ये तीनों का एवरेज होता है 50 डेसिबल। 50 डेसिबल मतलब मॉडरेट डिग्री का हेयरिंग लॉस है पेशेंट को। अब किस टाइप का हेयरिंग लॉस है, तो सेकेंड चीज़ देखते हैं बोन कंडक्शन ग्राफ को, जो कि 5, 5, 10, 10, 10 डेसिबल में है, मतलब नॉर्मल रेंज में है। तो बोन कंडक्शन नॉर्मल रेंज में है। अब तीसरी चीज़ देखते हैं एयर बोन गैप। एयर बोन गैप हम देखेंगे दोनों ग्राफ के बीच में, तो 30 डेसिबल से ज़्यादा का एयर बोन गैप है, मतलब कंडक्टिव टाइप का हेयरिंग लॉस है पेशेंट को, वो भी मॉडरेट डिग्री का। सो ये ग्राफ हुआ लेफ्ट ईयर में मॉडरेट डिग्री का कंडक्टिव टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस। तीसरा ग्राफ है राइट ईयर का, एयर कंडक्शन ग्राफ देखेंगे 25 डेसिबल से ज़्यादा है, मतलब पेशेंट को लॉस है। कितने डिग्री का लॉस है वो हम प्योटोन एवरेज निकालते हैं, 45 डेसिबल, 50 डेसिबल और 60 डेसिबल। एवरेज होता है 51.67 डेसिबल का हेयरिंग लॉस, जो कि है आपका मॉडरेट डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस। बोन कंडक्शन ग्राफ देखते हैं तो वो भी 25 डेसिबल से ज़्यादा है, मतलब कि सेंसोरियोन्यूरल कंपोनेंट है। और तीसरी चीज़ एयर बोन गैप देखते हैं तो वो केवल 5 डेसिबल का एयर बोन गैप है, मतलब 15 डेसिबल से कम है, नॉर्मल है। तो मतलब इस पेशेंट को सेंसोरियोन्यूरल टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस है। तो इस ऑडियोग्राम को हम कहेंगे राइट ईयर में मॉडरेट डिग्री का सेंसोरियोन्यूरल टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस। ये चौथा ऑडियोग्राम है, लेफ्ट ईयर का ऑडियोग्राम है। एयर कंडक्शन ग्राफ को देखते हैं, प्योटोन एवरेज कितना रहेगा, 75 डेसिबल, 80 डेसिबल और 80 डेसिबल, तीनों का एवरेज आएगा 78.33 डेसिबल, मतलब सीवियर डिग्री का हेयरिंग लॉस है। बोन कंडक्शन ग्राफ को देखते हैं तो वो भी 25 डेसिबल से ज़्यादा है, मतलब सेंसोरियोन्यूरल कंपोनेंट है इसमें। और तीसरी चीज़ देखते हैं एयर बोन गैप, एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन के बीच का गैप, वो भी 15 डेसिबल से अधिक का गैप है, मतलब कंडक्टिव एलिमेंट भी है। तो मतलब इस पेशेंट को सेंसोरियोन्यूरल प्लस कंडक्टिव, मतलब मिक्स टाइप का हेयरिंग लॉस है। सो ये ग्राफ क्या हुआ हमारा, लेफ्ट ईयर का सीवियर डिग्री का मिक्स टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस। आशा करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि ऑडियोमेट्री कैसे की जाती है, रिपोर्ट को कैसे प्लॉट किया जाता है और उस रिपोर्ट को कैसे पढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।